फिलहाल ये तस्वीर है, आप जो है बिठमड़ा गांव से लाइव देखने लग रहे हैं, जहाँ की आपने आज की खबर सुनी होगी कि इस बिठमड़ा गांव के खेतों के अंदर जो है तीन मजदूर काम करने लग रहे थे, लेकिन 50 फीट तक जो है एक कुएं की खुदाई करने के बाद 50वें फीट पे जो है एक मजदूर के ऊपर जो है ऊपर से मिट्टी गिर गई। तो सामने की ये तस्वीरें देख सकते हैं, लगभग 25 से 30 फुट गड्ढा जो है खोद दिया है जेसीबी ट्रैक्टर और वो प्लांट वगैरह लगा करके, और उसके बाद अभी जो है जिस कुएं के अंदर वो मजदूर गिरा है उसके साइड की खुदाई की जाने लग रही है। आपको मैं साथ के साथ लाइव तस्वीरें उस गड्ढे की, और ये देखिए साथ अभी जो है इसके ऊपर जो है फट्टे और कड़ियां रख के जो है साइड से जेसीबी के साथ खुदाई की गई, और अभी ये देख सकते हैं कसियों के साथ उस कुएं के साइड की मिट्टी को साइड में किया जाने लग रहा है। और अभी एनडीआरएफ की टीम और साथ में और कितनी जनता आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर ये देखने के लिए कि भाई सुरक्षित वो मजदूर बाहर निकलाए, ये आस उम्मीद जो है परमात्मा से प्रार्थना करने लग रहे हैं सारे के सारे लोग। ये देखिए आसपास के गांव गुवांडा के दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, और जिसको भी पता लगा कि इस प्रकार की दुर्घटना, इस प्रकार का हादसा जो है बिठमड़ा गाँव में हो गया है, तो उसके बाद ये देखिए मतलब मौके पर सारे के सारे पहुंच चुके हैं, और कल रात से लगातार प्रयास जारी है जान बचाने का। और ये सामने जो है ये वो कुआं है जिस कुएं की आप तस्वीरें देखने लग रहे हैं, इस कुएं के अंदर जो है 50 फीट पे एक मजदूर दबा हुआ है। दब तो तीनों के तीन गए थे, लेकिन दो को तो ऊपर से निकाल दिया गया है, क्योंकि जब वो 50 फीट पे मजदूर के ऊपर से कुएं की दीवार गिरी यानी मिट्टी उसके ऊपर गिरी, तो उसको निकालने के लिए बाकी के दो मजदूर गए, लेकिन उसके ऊपर भी फिर उन दोनों के ऊपर भी मिट्टी गिर गई। फिर उनको बचाने के लिए जो है जो साइड खड़े लोग उन्होंने उसको दो लोगों को बचाया, लेकिन एक मजदूर जो है अभी भी 50 फीट गहराई पे कुएं के अंदर दबा हुआ है। ये देखिए कितनी मशीनें और ट्रैक्टर लोग अपने अपने औजार लेकर ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर सहायता करने के लिए बचाव के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ताकि जो है मजदूर की जान को बचाया जा सके। ये देखिए लगातार खुदाई जारी है, और अभी जो है जेसीबी के साथ इस कुएं के साइड की मिट्टी को खोद करके साइड में जगह बनाई गई है, और अभी ये देख सकते हैं अभी उस खड्डे को खोदा जाने लग रहा है, यानी कि इस कुएं की साइड की मिट्टी को हटाया जाने लग रहा है, ताकि मजदूर तक जहां पर वो दबा उस तक पहुंच हो सके। लगातार जोर मीडिया के माध्यम से ये तस्वीरें आप देखने लग रहे हैं, लगातार ये देखिए कितने लोग इस आस में इस उम्मीद में कि वो मजदूर सुरक्षित अपने बाहर निकल आए, उसको देखने के लिए हज़ारों लोग यहाँ पे चारों तरफ खड़े हैं, और मशीनें लगातार ये देखिए खुदाई का काम करने लग रही है। इस गड्ढे को लगभग 35 फीट खोद दिया गया है, और 50 फीट पे बताया जा रहा है लगभग 20-22 फुट के आसपास खुदाई होना बाकी है। तो देखने वाली बात होगी कितना समय लगेगा, क्योंकि कल शाम से जो है लगातार बचाव वाले अपना काम करने लग रहे हैं, खुदाई का काम करने लग रहे हैं, मशीनें चलने लग रही है, ट्रैक्टर चलने लग रहे हैं, सारी की सारी मिट्टी बाहर निकाल दी। और यहाँ पर जो है सफेदे के पेड़े थे हरियाणा में बताऊँ तो रूख राख सारे कट बगाए भाई उर्दे, ये जो है साइड में परलगन रजबाया है उसको सारा बग्गी लोट कर सारे जितने भी रूखड़े खड़े थे, उसको साइड में जो है किसान का खेत था, और इस किसान के खेत में इस किसान ने जो है ये कुआं खुदवाना था, और उस कुआं खोदते होनी जो है यह हादसा हो गया है। लेकिन लगातार खुदाई के दौरान यहाँ के आसपास के जो है पेड़ भी काट दिए, और ट्रैक्टर और जेसीबी पॉप प्लांट लग के यहाँ की ये गड्ढा खोद दिया। लगातार एनडीआरएफ की टीम ने भी जो है नीचे कैमरा और माइक डाल करके जो है स्थिति को जांचने का प्रयास किया, लेकिन उसके अंदर तो आउटपुट यही आई कि उसके अंदर दिखा है एक कसी और एक पल्ली, एक कट्टा टाइप, लेकिन आगे की जानकारी क्या है साथ के साथ आपको हम अपने चैनल पर दिखाते रहेंगे। लगातार तस्वीरों को शेयर करते रहिए, और प्रार्थना कीजिए भगवान से कि वो सुरक्षित बाहर निकलाए, क्योंकि इस समय पर आपकी दुआएं ही उस मजदूर के काम आ सकती हैं। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं यही प्रार्थना करने लग रहे हैं अपने परमपिता परमात्मा से कि भाई उसकी जान जो है सुरक्षित हो और वो सुरक्षित बाहर निकलाए। हम भी यही ईश्वर से प्रार्थना करने लग रहे हैं कि देखो सांस तो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन हम तो सिर्फ दुआएं ही कर सकते हैं। देखिए लगातार प्रयास जारी है, जो जवान साथ में देख सकते हैं कसियों के साथ कुएं के साइड की मिट्टी को हटाने लग रहे,
और ये साइड की मिट्टी को टाण लग रहे हैं, फिर इस मिट्टी को बाहर निकाल देंगे। और ये देखिए ऊपर खड़ी मशीनें लगातार इस मिट्टी को हटाने लग रही, और लगातार यहाँ पे अच्छा बिल्कुल हो जाएंगे भाई, बिल्कुल हो जाएंगे। ये कुआं आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा तसल्ली से दिखाने का प्रयास करूँगा कि आप उस कुएं को थोड़ा देख पाएँ। ये देखिए ये सामने अभी ये तस्वीरें बिल्कुल आपको साफ दिखने लग रही है, वो बोर है जिसके अंदर की मोटर गिरी थी और वो मोटर निकलने नहीं लग रही थी, लेकिन साकट वो साकट नीचे निकल गया था भाई 50 फीट पर, और उसके साइड में जो है ये कुआं खोद दिया गया। और बड़ा हादसा जो है ये हो गया कि भाई उसके अंदर ये मजदूर बेचारा दब गया है। हम तो परमपिता परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि भाई सुरक्षित निकलाए, क्योंकि इसी आस में देख सकते हैं भाई हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं।